हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि आप लोगों के ट्रस्ट के कारण चैनल इतना ग्रो कर पाया है, आप लोगों का आशीर्वाद बना हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों से छोटा सा फेवर चाहिए होगा, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे भी, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, टेलीग्राम पे जुड़ना क्यों ज़रूरी है? आपको कोई भी PDF वगैरह जो भी आती है, रिजल्ट का हो, नोटिफिकेशन हो या फिर एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी, वो PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दी जाती है। तो टेलीग्राम से जुड़ना से आपको ये सब बेनिफिट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। लगभग अभी वहाँ पर 5,000 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, जब तक आप जाओगे शायद 5,000 हो जाए। तो आप जाकर टेलीग्राम को चेक कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च करोगे मिथुन सिंह तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ पाओगे। तो चलिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को लेकर एक अपडेट आई है। सबसे पहले मैं बता दूँ, रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। अब देखिए, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, मुझे पता है कमेंट सेक्शन भरने वाला है। आप लोग पूछोगे कि इस जगह की जो रिजल्ट है वो कब आएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन कब आएगा, रिक्रूटमेंट कब आएगा। तो देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी नोटिफिकेशन आता हो, कोई भी रिजल्ट पब्लिश की जाती हो या फिर कोई नई रिक्रूटमेंट को लार्ज नंबर पे या कोई एक डिस्ट्रिक्ट में नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। और एक बात मैं बताता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर जब तक नहीं आएगी तब तक मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे फेक वेबसाइट आजकल चलते हैं। तो जब तक ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती है तब तक मैं आपको कैसे इन्फॉर्म करूँगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ। तो चलिए, आज की जो रिजल्ट आई है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला नाम जो आपके सामने दिख रहा होगा सोनाली घोष का, और इनके पिताजी का नाम है दिलीप घोष। एंड इनकी सारी जो डिटेल्स है आप यहां से देख सकते हो, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड और जो टैट का परीक्षा है इन्होंने पास किया है, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, ट्रांसपेरेंसी अपने पीक पे है, यहां से आप सारी चीज़ों को जो है देख सकते हो। और आपका जो डाउट हो कि मुझसे कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ों को यहाँ पे दे दिया गया है। बाय द वे, अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं हो तो आप जो है आपत्ति भी जता सकते हो। आपका जो भी डिस्प्यूट है वो आप रिजॉल्व करा सकते हो अधिकारी के पास जाकर अप्लीकेशन लिख कर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का रिजल्ट को पब्लिश किया गया है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट का पब्लिश किया गया है यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ से देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना बोकारो, और यहाँ पे भाषा शिक्षक का जो है रिजल्ट को पब्लिश किया गया है बोकारो जिला से। तो सभी को बहुत बहुत टोकरी भर के बधाई, आसमान भर के बधाई, जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। और भी सब्जेक्ट्स का, और भी जिले का, और कोई भी अपडेट आएगी आपको मैं बिल्कुल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से देख सकते हो, पहले नंबर पे सोनाली घोष, दूसरे नंबर पे कविता कुमारी, तीसरे नंबर पे निकी कुमारी। अगर किन्हीं का सिलेक्शन हुआ है और आप इस लिस्ट में हो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर आप झारखंड से भी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। यू गाइज़ आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।